हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक ज्वेलरी ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ा बिजी थी क्योंकि होली था तो मेरा काफ़ी सारा प्रोग्राम था, जिसलिए मैं ज्वेलरी का वीडियो अपलोड नहीं कर पाई कंटिन्यू रेगुलर। तो अभी फिर से रेगुलर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो आज एक फ्लावर ज्वेलरी का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ जो काफ़ी सिंपल वे में मैं बनाऊँगी। फ्लावर ज्वेलरी हम लोग सोचते हैं कि शादियों के हल्दी सेरेमनी के लिए हमें यूज़ करने हैं फ्लावर ज्वेलरी, अदरवाइज़ हम तो ज्वेलरी फ्लावर ज्वेलरी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ज्वेलरी मैं बनाऊंगी काफ़ी सिंपल और यूनिक तरीके से बनाऊंगी, जो आप हमेशा ही पहन सकोगे, नॉट ओनली शादी पर्पस। तो इसके लिए हमें देखिए, ये सारा पोलेन और फ्लावर चाहिए, एक क्लोथ चाहिए, ये ग्लू चाहिए और सीजर चाहिए, सुई धागा, और ये मैंने टार्सेल लिया है एक। आप कोई भी और टार्सेल भी ले सकते हो, पतला साइज का या कलर कस्टमाइज़ कर सकते हो आप। फ्लावर ज्वेलरी कर रहे हैं तो ग्लू गन तो चाहिए ही होगा, तो ग्लू गन ये सब मैंने ले लिया है। काफ़ी सिंपल होने वाला है और काफ़ी यूनिक होने वाला है, और आप हमेशा इसे कैरी कर पाओगे साड़ी के साथ, कई भी सिंपल वे में आप इसे कैरी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जो सारा पोलेन और फ्लावर है इन सबको हम कट कर लेंगे अच्छे से। देखिए, ऐसे छोटे छोटे साइज में हमें कट करने हैं। तो यहाँ पे मेरे फ्लावर की कटिंग जो है वो हो चुकी है, देख लीजिए। तो अब ये जो क्लोथ है हम इसे कट करेंगे, ऐसे तो छोटे साइज़ में कट करेंगे और एक थोड़ा बड़ा साइज में कट कर लेंगे। अब एक पेपर ले लिया है मैंने, उसके ऊपर रख कर हम इसे बनाएंगे सपोर्ट के लिए। देखिए, अब पेपर के ऊपर मैंने थोड़ा सा ग्लू लगा के ये जो बड़ा वाला पीस है कपड़े का उसको मैंने फिक्स्ड कर दिया, ताकि ये ज़्यादा हिले ना और मेरे जो काम है वो मैं अच्छे से कर पाऊँ। आप थोड़ा केयरफुली करिएगा ग्लू गन के साथ अगर आप करते हो तो, क्योंकि ये बहुत हॉट होता है और हाथों में लगता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मेरे हाथों में थोड़ा सा लग गया था, थोड़ा सा जलन हो रहा था तब। तो देखिए, मैंने जो पोलेन कट किए थे उनको मैंने सर्किल में लगा दिया, आप ऐसे ही लगाइए। अब बीच में देखिए थोड़ा गैप है, तो इस गैप में मैं इस फ्लावर को अच्छे से लगाऊंगी। ये दिखने में बहुत अच्छा लगेगा जब मैं फ्लावर से इसे डेकोरेट करूंगी। मैंने यहाँ पे 3 कलर के फ्लावर यूज़ किए हैं, रेड, डीप पिंक और येलो कलर का। पोलेन काफ़ी सारे कलर के मैंने यूज़ किए हैं। आप अगर चाहते हो इतने सारे कलर नहीं यूज़ करके पर्टिकुलर एक कलर से बनाओगे, एक या दो कलर से, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ऐसी कोई नहीं है, ऐसे ही सेम आपको बनाने हैं, आपको बस सीखना है और अपने तरीके से बनाना है। देखिए, मेरा पेंडेंट जो है वो हो चुका है। अभी इयररिंग के लिए, इयररिंग थोड़ा ज़्यादा हमारे कानों में रहते हैं तो हेवी होता है, इसलिए मैंने ये कार्ड पेपर जो है उसी से 2 कटिंग कर लिए हैं इयररिंग के लिए। तो अभी मैं इयररिंग को बना रही हूँ, इयररिंग के ऊपर ये सारे पेपर के ऊपर ये सारे पोलेन में लगा रही हूँ। आप ना ये ज्वेलरी को किसी भी तरह आप यूज़ कर सकते हो, एज लाइक साड़ी के साथ, इंडियन आउटफिट के साथ। तो ये मेरा यहाँ पे बसंत उत्सव मतलब होली टाइम पे काफ़ी सारे सेल हो चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये काफ़ी डिमांडिंग है पीस, तो इसे इसका ही वीडियो बनाया जाए। तो देखिए, यहाँ पे मेरा हो चुका है इयररिंग, तो ये पीछे से ऐसे रहेगा। अभी हमें ये टार्सिल लेना है और सुई धागा ले लेना है। अभी इसका मैं सेंटर निकाल रही हूँ। अभी ये जो बड़ा पीस है इसको मैं सेंटर में ऐसे बिठाऊंगी और स्टिच लगाऊंगी।
काफ़ी अच्छे से टाइटली स्टिच हमें लगाने हैं। आप चाहो तो ग्लूगन से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे स्टिच करके ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये, क्योंकि मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते हैं स्टिच करने से, तो इसलिए मैं स्टिच ही कर देती हूँ। आप यहाँ पे ना जिस कलर का टार्सिल लोगे, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गई थी पहले, जिस कलर का आप टार्सिल लोगे उसी कलर का कपड़े के ऊपर अगर आप करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं अभी इयररिंग को लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे स्टड में रखा है इयररिंग को, आप चाहो तो हुक में कर सकते हो। मैं कपड़ा लिया था ना इयररिंग के लिए, अभी इसे मैं लगा दूंगी। बस अब और कुछ काम नहीं है बाकी, सारे हो चुके हैं, रेडी हो चुका है मेरा ज्वेलरी। तो यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगी। प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही प्यारे प्यारे ज्वेलरी के वीडियोज़ देखने के लिए। या फिर कमेंट में बोल सकते हो किस तरह के वीडियो आपको चाहिए।